वेलकम टू ग्रेड टू इंग्लिश लर्निंग। सो किड्स, आज हम न्यू स्टोरी पढ़ेंगे। उसका नेम है द मुंबई म्यूजिशियंस। सो लेट्स स्टार्ट। द मुंबई म्यूजिशियंस। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ डोंकी नेम्ड गोपू। ही हैड वर्क्ड फॉर मेनी इयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार एक डोंकी रहता था, उसका नेम था गोपू और वो बहुत साल तक एक फार्मर यानी किसान के घर पे काम करता था। ही हैड कैरीड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर केन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। और ये जो डोंकी था उसने हैवी यानी बहुत वजनदार वाले गुनिया सेक उठाई थी कॉर्न एंड शुगर केन की, शुगर केन यानि गन्ने की, फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री यानि खेत से फैक्ट्री तक उसने उठाई थी। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। अभी वो बहुत थक गया, टायर्ड यानि थक जाना, और वो बहुत ओल्ड हो गया था, ओल्ड यानि बूढ़ा। द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डोंकी, टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। फिर ये फार्मर ने गोपू से कहा कि यू आर अ गुड डोंकी यानि आप अच्छे डोंकी हो, टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड, आप ये सैक उठाकर जाओ और पूरी दुनिया देख लो, बिफोर यू बिकम टू ओल्ड जिससे पहले आप ओल्ड न हो जाओ। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। फिर गोपू ने यानी डोंकी ने मुस्कुराया और गुड बाय कहा, फिर वो मुंबई की ओर चल पड़ा। आई एम गुड एट म्यूजिक, आई विल गो टू मुंबई एंड बिकम अ म्यूजिशियन देयर। फिर ये डोंकी ने कहा कि मैं म्यूजिक में गुड हूँ, मैं मुंबई जाके म्यूजिशियन बनूँगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग, और फिर रास्ते में उसे एक डॉग मिला। वेयर आर यू गोइंग, फिर ये डॉग ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, वुड यू लाइक टू कम टू। फिर इसने उसको कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने, क्या तुम आना चाहोगे। येस आई वुड, फिर डॉग ने कहा कि हाँ। ऑफ वेन द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, फिर ये दोनों फ्रेंड्स मुंबई की ओर चल पड़े। दे सो अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड, फिर उन्हें रास्ते में एक बॉल मिला फर का जो एक कैट थी। Who are you? फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। I am Furry the cat. Would you like to come with us to become a musician? फिर वो सब donkey and dog cat को पूछते क्या क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे musician बनने के लिए। Oh, I would love to come along. फिर cat ने कहा ओ यस, मुझे अच्छा लगेगा आने के लिए। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन, फिर वो तीनों मुंबई की ओर चल पड़े म्यूजिशियन बनने के लिए। सून दे मेट कुकू द कॉक, फिर उन्हें एक रास्ते में कुकू मिला, कुकू यानि कॉक। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड, फिर कॉक ने कहा कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं आपके साथ ज्वाइन होऊंगा आपके बैंड में। दे ऑल रीच अ हाउस विद अ लाइट, दे वर टायर्ड एंड हंग्री। फिर डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक ये चारों लोग एक घर की तरफ पहुंचे और वो हाउस की लाइट ऑन थी और वो सारे
हंग्री एंड टायर्ड हुए थे। टायर्ड याने थक जाना, हंग्री याने भूख लगना, वो सारे भूखे थे। दे पिप इन थ्रू द विंडो एंड सो अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। फिर उन्होंने पिप किया, पिप याने जाग के देखना। सो ये सारे एनिमल्स ने विंडो याने खिड़की से जाकर देखा तो उन्हें एक टेबल पे खाना दिखा था जो बहुत डिलीशियस था। डिलीशियस याने टेस्टी, स्वादिष्ट खाना टेबल पे रखा था। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस। फिर सारे एनिमल्स ने डिसाइड किया कि हम सिंग करेंगे, यानि गाना गाएंगे ताकि जो भी लोग घर के अंदर हैं। दे सैंग, द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैज कम टू स्केयर देम। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कुड। फिर वो सारे एनिमल्स ने गाना गाया तो जो भी लोग घर के अंदर थे वो सोच में पड़ गए कि घोस्ट यानि भूत हमें डराने के लिए आया है, और वो सारे दौड़कर चले गए। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। गोपू यानि डोंकी, डोपू यानि डॉग एंड फरी यानि कैट, ये तीनों एनिमल्स घर के अंदर चले गए और उन्होंने खाना खा लिया। जब तक उनका पेट नहीं भरा, जब तक वो खा न सके, तब तक उन्होंने खाना खाया। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन, व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। फार्मर ने यानी किसान ने गोपू को क्यों कहा कि जाके तुम दुनिया देखो। आंसर, द फार्मर टेल्स गोपू टू सी द वर्ल्ड एज ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। तो फार्मर ने गोपू से इसीलिए कहा कि तुम जाके वर्ल्ड को देखो, बिकॉज वो बहुत टायर्ड एंड ओल्ड हो गया था। सेकेंड वन, वाई डिड गोपू डोपू एंड फरी वॉन्ट टू गो टू मुंबई। गोपू डोपू एंड फरी तीनों को मुंबई क्यों जाना था। आंसर, गोपू डोपू एंड फरी वॉन्टेड टू गो टू मुंबई टू बी म्यूजिशियन। ये तीनों को मुंबई इसलिए जाना था क्योंकि उन्हें म्यूजिशियन बनना था। थर्ड वन, वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। जो भी लोग घर के अंदर रहते थे वो क्यों भाग गए। आंसर, द पीपल इन द हाउस रन अवे एस दे थॉट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। उन्हें लगा कि भूत उन्हें डराने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो। यस, आई प्ले गिटार। सो किड्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए गिटार लिखा है। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो आप उसका नेम लिखोगे। नेक्स्ट, इफ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करते हो बट आप कौन सा सीखना चाहोगे। आई वुड लाइक टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो। मैंने यहाँ पर भी एग्जाम्पल के लिए पियानो लिखा है। आप गिटार, फ्लूट, तबला, जो इंस्ट्रूमेंट आप लर्न यानी सीखना चाहते हो उसका नेम लिखोगे। नाउ नेक्स्ट, एड द वर्ड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस। सो किड्स, हमें यहाँ पे वर्ड का ऑपोजिट लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट, अंजूस मदर एंड डैश कम टू द स्कूल। सो मदर का ऑपोजिट क्या होगा, फादर, तो हम लिखेंगे फादर। नेक्स्ट, माई अंकल एंड डैश कम टू विजिट अस ऑन मंडे। सो अंकल का ऑपोजिट क्या होगा, आंट, तो हम लिखेंगे आंट। नेक्स्ट, द लायन एंड डैश लुक्ड लवली एट देयर कब। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लायन, लायनेस, तो हम आंसर में लिखेंगे लायनेस। नेक्स्ट, द किंग एंड डैश
sat on beautiful throne. So what is the opposite of king? Queen. तो हम आंसर में लिखेंगे queen. We end all of you. I hope you all have understood and enjoyed. Thank you, students.